हाँ 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 ब्लॉगिंग हो रहा है। दादी के ब्लॉग्स, दादी के ब्लॉग्स, ब्लॉग्स बड़े शायद करीबर जो रामगढ़ करीबर में ही है। मैं आपको कभी तो मैं दिखाया नहीं हूँ, पर अभी मैं जाके दिखा के गए शायद जो घूमने आया था। और लोन फोन तोड़ सको, सो यस मैं प्लेस लाइट मार के जाऊंगा। स्वागत है एंड ऑल्सो फ्रॉम दीके ब्लॉग। सो गाइस आज हम लोग जाने आ रहे हैं बाबा जी के घर, और बाबा जी के घर को मैं अच्छे से दिखाऊंगा आप लोग को। एक्चुअली गाइस मैं बहुत ही लेट लेट से मैं अपना ब्लॉग डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब एग्जाम चल रहा है। सो एग्जाम के लिए पढ़ाई वढ़ाई करा कर रहे, सो इसलिए मैं लोगों को इतना ब्लॉग नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि यू नो एग्जाम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं आज बाबा जी का घर को मिलाता हूँ, बाबा जी का घर। इसलिए गए बाबा जी ने मेरे को सपना में कहा कि उसका घर को भी एक बार टूर कर दो, मैं इसलिए आज टूर करने जा रहा हूँ उसके घर को। उसका घर में कुछ इतना तो नहीं है, एक केव का अंदर में है, सो इसलिए मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, वो भी रामगढ़ में गए। सो चलिए रामगढ़ का भी नजारा देखते हैं और उसका घर का टूर भी लेते हैं फटाफट फटाफट। सो चलिए बाली जाने पेट्रोल पंप नहीं है, सो इसलिए हम लोग यहाँ से पेट्रोल डालते हैं ये दुकान से। तो अंकल थोड़ा पेट्रोल डाल दीजिए ना, ये रहा ये चेक करें बॉयस। यू नो गाइस अभी हम लोग पेट्रोल फिल अप कर चुके हैं, सो अभी हम लोग को निकलना चाहिए उस साइड की और बाबा जी के घर। देखते हैं रास्ता में और क्या क्या मजेदार होने वाला है, तो देखते रहिए। तो अभी तक हम लोग पहुंचा नहीं है, अभी आधे रास्ते में हम लोग रुक रहे हैं और कुछ दुकान से कुछ सामान ले रहे हैं। गाइस मैं आपको मजाक किया था, आज हम बाबा जी का घर पर नहीं है बल्कि रामगढ़ में एक बहुत ही पहले वहाँ में एक साधु एक बेटा था आ रहा है, सो उसको मैं आज दिखाने जा रहा हूँ कि उसका घर को और वहाँ में रामगढ़ का नाम क्यों रामगढ़ रखा गया है। आप लोगों को मैं बाद में गाइस रास्ते में मैं आपको बता ही दूंगा क्यों रखा गया है। सो मैं आपको मैं बता ही रहा था कि जो हम लोग आज जा रहे हैं साधु का गुफा पर, उसमें एक्चुअली पहले बहुत ही पहले वहाँ में एक साधु एक रहता था, जो कि वहाँ अंदर में सिक्का इक्का भी, मतलब जो बहुत पुराना पुराना वाला सिक्का भी था। सो गाइस उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ बोले जगह को, मैं भी कभी गया तो नहीं हूँ, आज मेरा पहली बार है। सो इसलिए मैं एक दोस्त को लेके जा रहा हूँ, लोरम हम दोनों अभी साथ में चल रहे हैं। सो वहाँ से एक दोस्त एक भी हम लोग के साथ जाना चाहते हैं, सो इसलिए मैं उनको भी लेके चलूंगा। सो इसलिए अभी हम लोग चलते हैं, तो चलते हैं। सो गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्त के घर पर, और अभी यहाँ से दोस्त को लेके चलते हैं लोरम हम दोनों। एक्चुअली अभी हम दोनों रुक रहे हैं, वो आ रहा है अपना घर से। सो गाइस एक्चुअली दोस्त जो मतलब जाने से मना कर दिए, उनका घर में कोई भी नहीं था तो वो अपना घर को देखना था, और उन्होंने कहा कि जो पहले जैसे नहीं है, जो गुफा था केप था तो वो अभी अंदर से बंद हो गया, सो इसलिए मतलब इतना अंदर नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक ही होगा अंदर। सो इसलिए पर भी गाइस जाके देखते हैं, और नदी भी चार नदी क्रॉस करना पड़ेगा, सो चलते हैं गाइस। मैं तो हार मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि करके दिखाते हैं कि ये ब्लॉग भी देखते हैं कि कितना लाइक्स आते हैं, 100 लाइक्स गाइस। तो गाइस मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ उनका, और झंडा को तो मैं जरूर दिखा के आऊंगा, क्योंकि उसमें ही पहले एक साधु बैठ के ओमनिवास करता था। ये जहाँ भी अभी हम लोग जाने वाला है, सो ये है गुफा जो कि साधु का। एक्चुअली ये लोग भी कहाँ पे है मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर गाइस जाके देखते है कि ये लोग भी कहाँ पर है। सो ये है यहाँ का लोकेट में रखता है कि ये पपुम पड़े शायद करीबर जो रामगढ़ करीबर में ही है। मैं आपको कभी तो मैं दिखाया नहीं हूँ, पर अभी मैं जाके दिखाने वाला हूँ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अभी चलिए ये नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ में ना वो चलाते हुए, सो वहाँ से मैं क्रॉस करूंगा उस पार की ओर, एक्चुअली लोरम हम दोनों। सो चलिए उल्लू को बुलाते हैं, फिर उल्लू के साथ उस पर चलते हैं नाव के साथ। अभी बेम्बू से बनाया गया है, बेम्बू होटे गए वहाँ से बनाया गया है। सो चलिए वहाँ के भी राइड का मजा लेते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग बोट पर है, मतलब लोकल वाला बोट में है, आप देख लीजिए। हाँ 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 ब्लॉगिंग हो रहा है। दादी के ब्लॉग्स, दादी के ब्लॉग्स, ब्लॉग्स। हाँ 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 मेरा पहली बार नहीं, मैं पहले भी बहुत बार बैठ ही चुका हूँ ये बोट पर। व्यू का नजर लीजिए, सिनेमैटिक्स। हम लोग पहुंच चुके हैं किनारों पर, तो अभी हम नाचते हैं, उसके बाद आपको मैं जहाँ लेके जाना था वहाँ चलते हैं। भैया जी थैंक यू सो मच। सो चलिए आगे का और लोकेशन देखते हैं।
सो गाइस, तो अभी हम लोग बस एक ही नदी क्रॉस किए हैं और भी बहुत ही सारा नदी, मतलब और हम लोग तीन नदी क्रॉस करना पड़ेगा। सो तभी हम लोग वो जगह में पंच पाएगा जो आपको मैं वहाँ दिखा चुका हूँ, जो केप साधुगढ़ केप में, एक्चुअली यहाँ में बहुत फेमस है साधुगढ़ केप। तो इसलिए मैं आपको मैं कभी तो दिखाया नहीं हूँ, इसलिए मैं आज मैं दिखाने आया हूँ और हम दोनों ब्लॉगिंग करके। सो आपको मैं जैसे बोला था, मेरा एग्जाम भी शुरू होने वाला है, इतना ब्लॉगिंग आना बंद होगा और गैस मेरा एग्जाम खत्म होने का बाद एडवेंचर लोरम हम दोनों बहुत ही जगह मतलब घूमने जाएंगे। सो आप लोग को मैं ब्लॉगिंग में दिखाता हूँ वो जगह भी। सो अब तब तक ये व्यू का मजा लीजिए गैस, बस आप लोग के लिए कर रही है सब भी। सो इसलिए गैस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मेरा वीडियो हर जगह आप लोग को पहुंच जाएगी फटाफट से। सो चलिए गैस लेट नहीं करते हैं, गैस नदी थोड़ा छोटा लग रहा है इसलिए यहाँ से थोड़ा क्रॉस कर ही लेते हैं। फिर से गाइस कपड़ा अपना पूरा खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्रॉस करना पड़ेगा, यू नो। सो गाइस आप देख लीजिए, इधर ठंडा में हम लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं और मेरा पाव गाइस फीलिंग दे रहा है कि पूरा जम गया है, पूरा बर्फ बर्फ, मतलब ऐसा ना फीलिंग आ रहा है। सो चलिए, गाइस चेक दैट व्यू, पानी पूरा सूखा हुआ है, मतलब सूखा हुआ है नहीं, पूरा पानी लोग यहाँ में जम के बैठा हुआ है, मतलब ये लोग कुछ भी मूव व्यू जो कि आप लोग को रामगढ़ में देखने को मिलेगा। सो अब क्या कहते हैं साधु गुफा जो काम है था उसमें ऊपर में था, ठीक है थैंक यू। और गैस दो नदी क्रॉस करके एक नाला, एक शायद चराई चढ़ना पड़ेगा और फिर नाला का, नाला को पार करके वहाँ बहुत सारा फ्रूट का गच्ची भी मिलेंगे। सो चलिए, एक्चुअली लोरम का भी पहली बार है, मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए हम दोनों रास्ता बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। सो हम लोग जहाँ से रास्ता दिखाई दे रहे जाने का रास्ता, सो हम दोनों वहाँ से जा रहे हैं। एक्चुअली बोला था नदी दो क्रॉस करोगे, तो अब हम नदी नहीं क्रॉस कर गई है, पहाड़ के ऊपर से जा रहे हैं गाइस। तो चलिए गाइस, इतना चढ़ाई चढ़ने पड़ रहे गाइस, चढ़ाई के लिए तो गाइस एक लाइक और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब गाइस। गाइस फाइनली हम दोनों पहुंचा तो नहीं है, पर इतना ऊपर आ चुके हैं कि पूरा पहाड़ ही हम दोनों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। अब ये चेक करें यहाँ का, गाइस यहाँ से गिरने से तो भयंकर हड्डी हड्डी भी नहीं बचेंगे, इतना भयंकर से वो है डाउन है। सो यहाँ से हम लोग को डाउन गाइस, आदमी लोग जैसे कहा था यहाँ में होगा जेक प्रूत का गच्ची। सो गाइस यहाँ में है जेक प्रूत का गच्ची, एक्चुअली हम लोग नदी नदी से आई ऊपर से आ गया था, तो इसलिए इतना अंदाजा नहीं है कि हम लोग अभी कहाँ पहुंच गया। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, हम लोग अभी जस्ट इसके ही ऊपर में था और हम लोग को अंदाजा भी नहीं था कि गुफा जो ये है गाइस, आप चेक कर लीजिए, ये है साधु का गुफा गाइस, बहुत ज्यादा मच्छर है और आप लोगों को मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट को दिखा दूंगा और यहाँ में बहुत सारा जेक प्रूत का भी गच्ची लुक है। सो अभी गाइस यहाँ में घुसते है, इतना दूर आ ही गए, तो लोरम तुमको कैसा लगा आके गाइस? बहुत ही ज्यादा तकलीफ था एक्चुअली, जितना हम लोग वहां से सफर करके आए हैं। ये चेक करो इतना बड़ा था, पहले एक्चुअली पहले ये समय में एक साधु एक बेताल है जो कि बहुत ही पहले का बात है। सो अभी इसलिए इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि वो कितना पहले का बात हो चुका है, ये मतलब डायरेक्ट वहां पहुंचते इतना घर शायद से सुनने में तो ऐसे आया था कि इतना घर पहुंचते। सो गाइस तो अभी घुस के देखते है गाइस, बहुत ही सारा और हम दोनों टॉर्च भी लेके आया था कि जब अंदर घुसते थे हम लोग अच्छा से देखे, यू नो गाइस बहुत ही ज्यादा डरावना है। हमें पहले साधु के साथ और एक्चुअली हमें बहुत सारा आदमी अपना नाम भी लिख के गए हैं शायद जो घूमने आया था, और लोग फोन तोड़ सको। सो यस मैं फ्लैश लाइट मार के जाऊंगा अंदर की ओर गाइस, ये चेक करिए इतना डरावना है। सो गाइस आप देख लीजिए इतना भयंकर से यहाँ में आदमी लोग आग वाग भी जलाई है, एक्चुअली यहाँ में गैस पत्थर भी है आप देख लीजिए, शायद से कुछ करके गया आदमी लोग पूजा वूजा, यहाँ में बहुत सारा वो भी है दिया अगरबत्ती लोग, और गैस यहाँ से भी रास्ता है अंदर जाने का। एक्चुअली ये आदमी लोग बोलते हैं कि ये क्लोज हो चुका था बहुत ही पहले, पूरा ऐसे अंदर में मिट्टी गिर के। सो एक्चुअली इतना आइडिया तो नहीं है कि कितना मिट्टी गिरा होगा। सो आप देख लीजिए इतना दूर से आप लोग को मैं ये दिखाने के लिए लेके आया हूँ, कहीं झंडा बन ना हो जाए, और ये आ रहा गैस इतना अंदर नहीं है बस, लेकिन वीडियो में इतना सुंदर नहीं आ रहा है, लेकिन रियल में गैस काफी ज्यादा अच्छा है और काफी बड़ा है। सो ये वीडियो में कितना लाइक का एम रखते है? 100 लाइक ना, ओके। सो गैस लोरम ने जैसे कहा कि 100 लाइक का एम रखते है, सो गैस आप लोग देखते है तो गैस 100 लाइक गैस चलिए।
सो गाइस हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं। आप लोग को देखने मिल जाएगा मैंगो, मैंगो का गच्ची है, जैक फ्रूट का गच्ची भी है। सो पहले हमें आदमी शायद बेता भी था साधु जो अपना ये जैक फ्रूट का लगा के गया होगा शायद से गाइस। सो गाइस तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने मंजिल पे और हम लोग जितना गया था उतना ही वापस आ चुके हैं। एक्चुअली हम लोग का बदन पूरा थक गया है और इतना पानी ठंडा था कि गाइस बिल्कुल हम लोग मतलब पानी को सह नहीं सके। नदी को देख लीजिए पीछे में, वहाँ से हम लोग क्रॉस कर लिया था। सो अभी चलते हैं घर और आपको मिलते हैं घर पर। सो चलिए गाइस।